Subscribe now and press the bell icon. मित्रों नमस्कार, हिंदी ज्ञान गंगा धारा में पुनः आपका स्वागत है। नवोदय विद्यालय जो 18 सितंबर को पेपर हुआ था, विषय का हम लेके आ रहे हैं उसका साल पेपर कैसे क्या है, जो कि नवोदय ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पे आंसर की डाल चुका है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट का आज हम पहला डालेंगे। फिर उसके बाद इंग्लिश का 15 क्वेश्चन, उसके बाद जीके जीएस और बाकी जो पोर्शंस बचेंगे उसका भी हम वीडियो धीरे धीरे बना के डाल देंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। डॉक्टर देवराज की अजय की डायरी किस विधा की रचना है? अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो क्या हो जाएगा? उपन्यास। नेक्स्ट है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो इसका आंसर देखिए हरे रंग से रंगा गया है, 693 ईस्वी से, विकल्प 4 सही है। कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद की जीवनी के लेखक कौन है? इसका विकल्प 4 सही है, मदन गोपाल। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं? इसका विकल्प होगा 3 सही, गौड़ी और शुद्धा। निम्न में से कौन सा दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प 2, कुंवर नारायण। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो विकल्प 4 सही होता है, वे दिन वे लोग। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, मुक्ति रहस्य, लक्ष्मी नारायण की रचना नहीं है। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो ये क्या हो जाएगा? यात्रा वृत्तांत रचना है, एक बूंद सहसा उछली, जो आगे की है। नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो नई कहानी पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त है, विकल्प 1 सही। दसवां प्रश्न, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हंस जवाहिर और नूर मोहम्मद, विकल्प 1 सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो अव्यय का भेद 3 विकल्प है, परिमाण बोधक अव्यय का भेद नहीं है। पढ़े फारसी बेचे तेल लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? गुणवान होने पर भी छोटा काम करना। निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो विसी की किरण का पर्यायवाची नहीं है, विकल्प 1 सही। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो विकल्प 4 सही हो जाएगा, जटमल के द्वारा। हाथ डालना मुहावरे का सही अर्थ है? तो क्या हो जाएगा इसका? शुरू करना। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए चार विकल्प में विकल्प 3 सुमेलित नहीं है, याद हो कि न याद हो, दूधनाथ सिंह की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो तांबे के कीड़े मोहन राकेश का नाटक नहीं है, विकल्प 2 सही। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? तो कल्पना और प्रवणता, विकल्प 1 सही। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसकी है? तो हम सभी जानते हैं प्रसिद्ध कथन किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, विकल्प 1 सही। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो श्रांत पथिक रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है। आरबिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है? प्लेग की चुड़ैल के लेखक भगवान दास है, विकल्प 1 सही। निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो मंगलसूत्र उपन्यास उनका अधूरा है। आरती कीजे हनुमान लला की रचयिता कौन है? इसका क्या उत्तर हो जाएगा? आचार्य रामानंद।
निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आकाशदीप कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। निम्न में कौन से सुमेलित है? तो आस्था के चरण निबंध है डॉक्टर नगेंद्र का, यही सुमेलित होगा विकल्प तीन। कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है, कांति मतलब चमक, क्लांति मतलब थकावट। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की है? नहीं है, विद्यापति की रचना नहीं है, तो विकल्प दो सही हो जाएगा, जयंत जस चंद्रिका। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? विकल्पों की संख्या है चार, मतलब नाथों की संख्या नौ है। बहुरी विचार किन्नी मनिमाई इसी संबदन समय हिमकारी, नहीं पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर ये प्रतीप अलंकार होगा। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो दूसरा होगा संयोगिता स्वयंवर नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी कहानी का रचनाकार कौन है? विकल्प चार सही, रामकुमार वर्मा। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था यह अलावा अंतस्थ व्यंजन है, विकल्प तीन सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विकल्प संख्या तीन सुमेलित नहीं है, प्रेमपथिक श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? जहाज का पंछी इला चंद्र जोशी, यही सुमेलित है, विकल्प एक सही। मोतो मेरे कवित्त बनावत रीतिकाल के किस कवि ने कहा था? ये रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि घनानंद जी के द्वारा कहा गया है, विकल्प चार सही है। उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? विकल्प एक सही है, दामोदर शर्मा। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? इसका होगा विकल्प तीन सही, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नैने नचाए कहे मुस्काए लला फिर अइहो खेलन होदी, यह पंक्ति है पद्माकर की, विकल्प दो सही। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका हो जाएगा विकल्प तीन सही, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की रचना है। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो तीनों अज्ञेय का है, चौथा विकल्प इसका होगा, यहां से देखो ये अज्ञेय का काव्य संग्रह नहीं है। कुमार रासो के रचयिता कौन है? कुमार रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। विशल देव रासो में विशल देव की पत्नी कौन है? तो उसकी पत्नी है राजमती। हम देख रहे हैं कि बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है टीजीटी में भी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो विकल्प एक सही हो जाएगा, अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? तो यह उपन्यास है, विकल्प तीन सही। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूफी के सूरदास के अनुकरण पर की है? इसका विकल्प हो जाएगा गीतावली। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऋण जल धन जल प्रभाकर माचवे की ये रचना नहीं है, बाकी शेष सब विकल्प सही है। व्याप्त का संधि विच्छेद होगा, तो व्याप्त का संधि विच्छेद होगा, विकल्प एक वी धन आप्त। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर बढ़ाए? अनुच्छेद 351 कहता है, विकल्प चार सही। कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो भोजपुरी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि इसे संविधान के द्वारा भी मान्यता भी नहीं प्राप्त किया गया है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विकल्प दो हो जाएगा, चंद हसीनों के खतु चतुर शास्त्री। हिंदी साहित्य का अति शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विकल्प तीन सही। उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? यह अर्थ की दृष्टि से विकल्प दो सही है, संदेश वाचक वाक्य है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? विकल्प दो सही होगा, सामुद्रिक। कौन सा कवि रीत मुक्ति नहीं है? तो सेनापति रीत मुक्त नहीं सही है, विकल्प तीन सही। मेरे नैना विरह की बेल भरी पंक्ति की रचयिता कौन है? इसका विकल्प चार होगा, सूरदास। प्रथम रश्मि का आना तरंगिणी तूने कैसे पहचाना पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? यह पंक्ति है, विकल्प एक सही, पंत के द्वारा।
निम्न में से कौन सा सुमेलित है, यही सच मन्नू भंडारी की रचना है, विकल्प दो सही है। नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है, तो नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति विकल्प चार परिंदे को माना है। निम्न कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें विकल्प एक सुमेलित नहीं है, जो लिखा है सुख सागर राजा लक्ष्मण सिंह की रचना है। मोह को कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पां, में पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है कबीरदास की, विकल्प संख्या तीन से। निम्न कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो संसद से सड़क तक नागार्जुन की रचना नहीं है, विकल्प दो सही है। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से कौन सी रचना मैत्री शरण गुप्त की नहीं है, प्रिय प्रवास हजिद्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना, विकल्प एक सही होता है इसमें। चौसठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, खोई हुई थाली रविंद्र कालिया, ये विकल्प सही नहीं है। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है, तो राजा विश्वनाथ सिंह ने इसे लिखा था, विकल्प ये सही है। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे, तो सिद्धों में सबसे पुराने सराफा थे। उपमेय को जिसके समान बताया जाता उसे क्या कहते हैं, उसे उपमान कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है, चंद्र भरदाई जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, विकल्प एक सही। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है, तो विकल्प एक सही सुवा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो विकल्प तीन सही होगा इसमें, जिंदगी नामा मन्नू भंडारी की रचना नहीं है। 71वां प्रश्न, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देश विदेश निर्मल वर्मा की रचना नहीं सही, इसलिए विकल्प चार इसका उत्तर सही होगा। भारतीय युग के कवियों में अधिकांशतः किस भाषा में कविता की, इसका उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा में इन्होंने सबसे ज्यादा कविता की। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है, अपनी खबर विकल्प एक सही होगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है, तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है, तो निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्णदास। बसंती हवा कविता के रचनाकार कौन है, तो इसका विकल्प दो सही होगा, केदारनाथ अग्रवाल। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो विपत्का जैनेन्द्र की रचना नहीं है, यही सही है, विकल्प तीन। प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है, राजश्री अश्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ध्रुवशान्वी, विकल्प तीन सही होगा। व्यष्टि का विलोम क्या होगा, तो व्यष्टि का विलोम विकल्प एक होगा सही, समष्टि। राजपंचाध्यायी के लेखक कौन है, तो विकल्प तीन सही होगा, नंददास। कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है, तो विकल्प तीन सही होगा, शेखर जोशी। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, पंक्ति किसके द्वारा रचित है, तो विकल्प दो सही होगा, मलुक दास के द्वारा। गोरख जगाए जो भगति भगाए लोग, ये वाक्य किसने कहा था, ये वाक्य कहा था तुलसीदास जी ने, विकल्प तीन सही। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका दो हो जाएगा, भाग्यवती लज्जाराम मेहता की रचना नहीं है। 85वां प्रश्न, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, चारों विकल्प आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें श्रृंखला की कड़ियां आगे की रचना नहीं है, विकल्प तीन सही होता है। बात हो मनोयोग शीर्षक के लेखक कौन है, इसका प्रताप नारायण मिश्र है, विकल्प चार सही। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो विकल्प तीन हो जाएगा, उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती की रचना बता रहा जो कि सही नहीं है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो विकल्प एक हो जाएगा, गंगा लहरी रत्नाकर की रचना बता रहा जो सही नहीं है। कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1938 में कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, विकल्प एक सही होता है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है, विकल्प तीन सही होगा, शिव पूजन सहाय। अब ये 90 तक प्रश्न है और 90 के बाद पैराग्राफ से क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आप उसे देखना चाहें तो उसे भी बना दिया जाएगा, 10 क्वेश्चन आपका पैराग्राफ से रहता है, जैसा कि आप नीचे देख लीजिए, ये पैराग्राफ ऐसे देता है, ऐसे ही पैराग्राफ देगा और पैराग्राफ से ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें देख लीजिए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, मनुष्य की
जय यात्रा। फिर देखिए ऐसे ही उपन्यास वो पैराग्राफ से होता है, जीवन उत्पत्ति के संबंध में लेखक का दृष्टिकोण कैसा होगा, विज्ञान आधारित कल्पना। अब हमारे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने होने चाहिए। जो 90 क्वेश्चन आपके थे वो आपको दे दिए गए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका अपना साथी हिंदी ज्ञान गंगाधारा।